रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर गिविंग 15 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो सीरीज वी विल आल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर लेटर फेज यू कैन एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर आरआरबी एग्जामिन यू फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन परचेज आवर बुक्स ऑन रेलवे एग्जाम्स फ्रॉम गिवन लिंक ऑफ Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. Test cricket mein Sachin Tendulkar ne andaaz se kul kitne run banaye hain? A. 12,000 B. 13,000 C. 14,000 D. 15,000 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन बनाए हैं ये उपलब्धि सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेलकर हासिल की क्वेश्चन नंबर 2 वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है ऑप्शन ए गुलाबी बी नीला सी हरा डी काला सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्णांधता में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं क्वेश्चन नंबर 3 मानव शरीर के डैश में पीयूषिका ग्रंथि होती है ए वृक्क बी यकृत सी गला डी मस्तिष्क सही जवाब होगा ऑप्शन डी मानव शरीर के मस्तिष्क में पीयूषिका ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि मानव अग्र मस्तिष्क में चेतक और अर्धचेतक के मध्य होती है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकॉले का नाम जुड़ा है ए गोद निषेध प्रथा बी सह संधि सी अंग्रेजी शिक्षा डी स्थायी बंदोबस्त सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति विचार नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है ए लेब्राडोर बी बेंगुएला सी कुरेशियो डी हम्बोल्ट और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रोएशिया की धारा एक गर्म जलधारा है इसका मार्ग प्रभाव उत्तरी चीन सागर के तट कोरिया तट एवं संपूर्ण जापान सागर तटों के लिए एवं पूर्वी जापान के तट को विशेष उष्ण बनाकर यहां के निवासियों की कार्यक्षमता में निरंतर वृद्धि करता रहता है क्वेश्चन नंबर 6 फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है ए उत्तर प्रदेश बी बिहार सी पश्चिम बंगाल डी उड़ीसा सही जवाब होगा ऑप्शन सी फरक्का परियोजना भारत बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है इस परियोजना का उद्देश्य हुगली नदी में नौ परिवहन में सुधार एवं कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा एवं स्थायित्व की रक्षा करना है क्वेश्चन नंबर 7 2012 के ओलंपिक में कुश्ती का रजत पदक किसे मिला ए योगेश्वर दत्त बी सुशील कुमार सी अमित कुमार डी एनपी यादव सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुशील कुमार को 2012 के ओलंपिक में कुश्ती में 66 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत पदक प्रदान किया गया क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंद समय में कमी हो जाती है ए विटामिन ए ऑप्शन बी विटामिन बी ऑप्शन सी विटामिन के ऑप्शन डी विटामिन डी और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से रक्त स्कंद में कमी हो जाती है इसका रासायनिक नाम पिलोक्विनोन है इसका स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां हैं क्वेश्चन नंबर 9 आजकल पूरे विश्व में आईपीएल मैच काफी लोकप्रिय है
IPL का विस्तृत रूप क्या है? ए इंडियन प्रीमियर लीग, बी इंटर प्रीमियर लीग, सी इंडियन पीपल्स लीग, डी इंडिया पाकिस्तान लीग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। IPL का विस्तृत रूप इंडियन प्रीमियर लीग है। ये क्रिकेट मैच 2020 ओवर्स का होता है। इसके पहले कमिश्नर ललित मोदी थे, वर्तमान में इसके कमिश्नर संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? ए एडवर्ड जेनर, बी लुइस पाश्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी होप काइंड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक से संपूर्ण शरीर, खासकर चेहरा और हाथ पैर प्रभावित होते हैं। ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मानव हृदय में चार वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। ये 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी अवक्त किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पराबैंगनी किरणों के कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है। इन किरणों की खोज रिटर ने की थी। ये सूर्य के प्रकाश, वैद्युत विसर्जन, निर्वात स्पार्क आदि से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए अरावली में, बी नीलगिरी में, सी सहाद्री में, डी सतपुड़ा में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। डोडा बेट्टा 2637 मीटर चोटी नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनयमुदी 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर मुंबई है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 12,37,08,437 है। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में हम फिर मिलेंगे और ढेर सारे सवालों के साथ जो नए होंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करिए। नमस्कार।